पूछना चाहती हूँ, संसद में जब लोकपाल के ऊपर चर्चा चल रही थी तब आप सो क्यों गए थे? सोने का मेरा भाषण नहीं सुनी सर, उससे पहले आप सोए थे? भाषण देने के बाद आप बता रहे हैं बेटी सुन, आप उसमें सोते नहीं, आंख बंद करके मनन करता हूँ। एक तो हमारे पड़ोस में एक आदमी को लड़का हुआ, उसे जब पैदा होते लगने बोलने लगा बाबर हुमायूं पानीपत का प्रथम युद्ध पानीपत का द्वितीय, ससुर सब हम पे शक करने लगा से कि खान सर का लड़का है। अब तो ससुर मोहल्ला में कोई तेज उज लड़का पैदा होता है तो हम डर जाते हैं, फिर हमरे पे बोलेगा। ये मेरे देश की चड्डी सोना उगले हीरे उगले और उगले मोती, ये है मक्खन ये है मलाई राजबाड़े से मंगाई और एयर खड़ी में लुटाई, ये शेर के पिंजरे कान फटे मगर चड्डी ना फटे। सुनिए आप अभी इतिहास की बात आई है तो अभी बताते हैं राजा वाली बात बताते हैं, लड़कियों पे सूट करता है। तो उस राजा ने अपने यहाँ के सबसे बेहतरीन शिक्षक को बुलाया, ये भला नहीं करो, सबसे बेहतरीन शिक्षक को बुलाया और उनको कहा कि आप मेरे समाज में जितने ओरिजिनल गधा जानवर जो थे चार पैर वाला इसको भी शिक्षा दीजिए। तो कहा कि भाई इसको कैसे शिक्षा देंगे, तो कहा कि हाँ एक महीना का टाइम दिया गया टीचर को और एक बड़ा सा हॉल में 10-15 गधों को रख दिया गया और उसमें टीचर को घुसा के बाहर से बंद कर दिया गया, अंदर खाना पीना सब था। ये इंतजार में थे लोग कि जब एक महीना बाद क्लास खुलेगा तो गधे भी कुछ इंसानियत सीख गए होंगे। तो गधों को जब टीचर को बोला, जब राजा टीचर को बुलाया कितना पढ़ाए हैं मास्टर साहब गधों को, तो मास्टर जानते हैं क्या बोला?